रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटीटी साइको टेस्ट की क्लास चल रही है, जिसमें क्लास नंबर 24 है और इसका प्लेलिस्ट है आपको इन द स्क्रीन के रूप में और प्लेलिस्ट के रूप में आप देख सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है बाकी 23 वीडियो का। तो यहाँ पे बात करेंगे एक ग्रता टेस्ट, ये आपकी कंसंट्रेशन टेस्ट का टेस्ट है जिसमें अंक खोज परीक्षण है। तो कंसंट्रेशन टेस्ट में डिजिट सर्च टेस्ट के नाम से है, इस टेस्ट को भी लिया जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि यस नो टेस्ट भी होता है, बिल्कुल होता है दोस्त, दोनों में से कोई भी टेस्ट हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही पार्ट का है। पहला टेस्ट आपको होता है जिसमें यस या नो टेस्ट होता है डिजिट वाला में ही, दूसरा टेस्ट होता है कि डिजिट सर्च करना है, आपको अंक खोज करना होता है। तो अंक क्या क्या हो सकता है इसको समझिएगा, अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस प्रश्न में अंक को खोजिए। इसकी बेसिक 3 नियम है। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला जिसमें कोई अंक, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अंक हमें 5 खोजना है, इसमें 5 को सर्च करना है या खोजना है। तो पहला कंडीशन ये है कि 5 जिसमें रहेगा ए बी सी एंड डी वो राइट आंसर होगा। मान लीजिए कि बी में आपका 5 है तो बी आपका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन है कि 5 ए बी सी डी 1 से ज़्यादा यानी सी एंड डी में भी है तो क्या होगा इसका आंसर, इस कंडीशन में आंसर आपको ई देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि किसी में 5 नहीं है, क्या है किसी में 5 नहीं है, तो किसी में अगर 5 नहीं है या कोई संख्या जो दिया हुआ है वो नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका ई आंसर होगा, ए बी सी डी नहीं होके ई आंसर होगा। और चौथी कंडीशन आपको ये है कि चौथी कंडीशन है कि एक में, जैसे संख्या ए में आंसर 5 2 बार आया है तब भी इसको एक ही काउंट करना है आपको, यानी एक ऑप्शन में एक अंक कितनी बार भी आया हो तो एक बार काउंट होगा, अगर वो दूसरे में चला जाएगा तो फिर ई वाला ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। एक में जैसे हम लिखे 5 5 3 2 और ये ऑप्शन ए है तो ये 5 एक ही माना जाएगा यानी आंसर ए होगा। ऐसा नहीं कि समझ लीजिएगा जैसे कि एक से ज़्यादा जैसे हो गया वो 5 5 2 ज़्यादा नहीं हो गया, तो आप समझ गए होंगे इस टेस्ट का मतलब एक ही है, कंसंट्रेशन टेस्ट है। और कंसंट्रेशन टेस्ट का दूसरा यस या नो के अपोजिट वाला टेस्ट है, या तो यस या नो टेस्ट आएगा और या ये आएगा। अब यहाँ टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम अभी तक डिटेल ऐसा ही आ रहा है, जब CBT 3 होगा वहाँ हो सकता है इंस्ट्रक्शन में आपको टाइम कंप्यूटर के हिसाब से चेंज किया जाए, कैसे प्रश्न दिखेगा उसके अनुसार से चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक क्या है क्वेश्चन रहेगा आपका प्रश्न संख्या 75 और टाइम इसके लिए दिया गया है आपको 4 मिनट, इसमें कंप्लीट करना है। तो हर साइको की तरह हम पूरी तरह से आश्वस्त आपको कराना चाहेंगे कि पहला टारगेट 50% अगर आप कर लिए तो आपके लिए बेटर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हो चुका जो कंसंट्रेशन था, पहले हम 50% पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 50 प्रश्न लिए हैं टोटल, 75 नहीं लिए हैं क्योंकि प्रश्न आपको समझाना मेरा काम है, एक बार समझ लीजिएगा तो कैसे करना है। तो इस टेस्ट में 24वां नंबर क्लास है तो इसमें आपको क्या करना है, डिजिट सर्च खोजना है और कौन सा डिजिट है, ये 5 है, हो सकता है एग्ज़ाम में 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 9 ज़्यादा मिलता है और 6 ज़्यादा मिलता है, डिजिट कोई भी मिल सकती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, लेकिन ध्यान देना है आपको रूल पे, चारों रूल की बात। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले प्रश्न 1 को लेते हैं, स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, समझते हैं। तो यहाँ आपको कैसे करना है, एक बार में आप देखना है चारों लेटर को और चारों लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिल गया, राइट आंसर सी, टिक कर देना है। ऐसा नहीं कि आपने एक सी में देखा और दूसरे में नहीं देखा, तो हो सकता है दूसरे में हो जाएगा तो उसके लिए आंसर ई हो जाता। तो आगे चलिए आगे दिखाते हैं, यहाँ एक बार अगर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा यहाँ है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ 5 हमारा बी में है, इसमें अगर देखेंगे तो 5 हमारा यहाँ 4 में है, उसके ए ऑप्शन हमारा ए में है, उसके बाद हमारे पास 5 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 5 नंबर पर प्रश्न देखें यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको कन्फर्म करना है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर में 5 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ तक आपने समझ गया होगा, आपने 6 नंबर प्रश्न तक क्या समझा, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे आपको।
क्या समझे, जिसमें हमारा संख्या 5 है उसको देखना है और पूरी अंक को देखना है, सारे को हमें पढ़ना नहीं है क्या लिखा हुआ है, जहाँ 5 दिख गया उसको टिक कर देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टिक करते वक्त देखें कि किसी में 2 आ गया तो उसका आंसर ई हो जाएगा, किसी में 1 भी नहीं आया उसका भी आंसर ई हो जाएगा। तब चलिए यहाँ से 7 नंबर से प्रश्न को हम तेज़ी से करते हैं। तो 7 नंबर से मैं एक बार सेट कर लेते हैं, इसको सेट कर लिए उसके बाद हम 7 नंबर से चलते हैं। 7 में देखिए 5 यहाँ ए आंसर है, यहाँ पे अगर आपका आंसर सी हो गया, यहाँ पे आंसर देखें तो आपका आंसर ए हो गया, इस प्रश्न में देखेंगे तो आंसर इसका बी है, उसके बाद अगले प्रश्न में देखें तो आंसर इसका सी है और यहाँ डी में भी है, यानी इसका आंसर ई है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे तो अगले प्रश्न में देखें 5 यहाँ पे है, अगले प्रश्न में देखेंगे तो आपका किसी में 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 आपको देखना है, उसके बाद अगले प्रश्न में देखें 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उसके बाद इसमें 5 देखिए इसमें है और कहीं पे नहीं है तो ये आंसर है, उसके बाद आप देखते जाइए यहाँ पे 5 है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद अगले प्रश्न में देखें तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितने 18 तक हो गए, बहुत आराम से हो जाएंगे, केवल कंसंट्रेशन लेवल आपको बरकरार रखना है। उसके बाद 18 के बाद आगे से चलते हैं, 18 के बाद हम 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पे वो 5 आपको सर्च करना है कि 5 हमें कहाँ मिलेगा, तो 5 हमें मिलेगा सी में, अगले में यहाँ मिलेगा बी में, अगले प्रश्न में देखें 5 हमें कहाँ मिलेगा, तो 5 आप ढूंढते रहिए कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ई होगा। अगले प्रश्न में देखिए तो हमारा 5 कहाँ है, डी में है, अगले प्रश्न में देखें 5 हमारा सी में है, अगले प्रश्न में देखें तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 5 नंबर यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। 25 में आप देखें तो 5 आपको ढूंढना है, 5 यहाँ पे है। 26 में अगर देखेंगे तो 5 आपको यहाँ बी में मिलेगा, उसके बाद आप देखें 26 में देखेंगे तो आपको 5 कहाँ मिल रहा है, तो सी में मिल रहा है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 5 कहाँ मिल रहा है, आपको डी में मिल रहा है। 28 नंबर में देखें 5 यहाँ पे है, किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। 29 नंबर में देखें तो बी में मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है, यानी आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर में देखें तो 5 यहाँ पे है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 30 के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ 31-32 में, तो 31 में आप देखें तो 5 यहाँ पे है और किसी में नहीं है, 32 में यहाँ पे है और किसी में नहीं है। उसके बाद आपको ये ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है। तो 33 नंबर में देखें 5 यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है। 34 नंबर में है तो आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है। उसके बाद 35 नंबर में देखें तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसका आंसर ई हो जाएगा 35 का। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 2 हो सकता है, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद 37 नंबर में देखेंगे तो 5 आपको मिलेगा, लास्ट डी में है। उसके बाद 38 नंबर में देखेंगे तो 5 आपको सी में मिल रहा है और लास्ट में डी में भी मिल रहा है, तो इसका आंसर ई होगा। यही कन्फ्यूजन, यही गलती आपको नहीं करना है, दोनों को ज़रूर देखना है। 39 नंबर में देखें तो 5 यहाँ है, बाकी में नहीं है, यहाँ पे 5 आपका ए में है 40 में। 41 में आप देखेंगे तो 5 यहाँ पे शुरुआत में ही ए में दिया हुआ है। उसके बाद अगर 42 नंबर देखें तो थोड़ा सा हम इसको भी हाइट कर लेते हैं, तो 42 नंबर आप प्रश्न देखें तो 5 नंबर आपका यहाँ है, बाकी किसी में नहीं है। 43 नंबर प्रश्न देखिए 5 यहाँ पे है। उसके बाद आगे वाले प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ प्रश्न यहाँ पे 5 है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ सी में है। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे पहले लेटर में पड़ा हुआ है। 47 नंबर में देखेंगे तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारे पास ई हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं। 48 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 यहाँ पे हमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, यहाँ नहीं, तो आंसर कहाँ होगा, ई होगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखें तो हमें 5 दिख रहा है सी में, और 50 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 5 हमें दिख रहा है हमें डी में। तो कितनी आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से होता है, लेकिन इसके लिए आपके अपने को कंसंट्रेट करना होगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की नहीं, बस शांत मन से प्रैक्टिस करने की जो सकता है, तो इस टाइप के प्रश्न आप ईजी कर पाएंगे। और इधर हम देखें तो ये प्रश्न हमारा एक ग्रहता इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति एग्जाम में अपने से कंसंट्रेट रहेगा वो हो जॉब में भी अच्छा करेगा, यही रेलवे का मानना है। और इसीलिए ये साइको टेस्ट का पैटर्न डिजाइन किया जाता है, क्योंकि रेलवे के इंजन में जो हमारा ELP और ड्राइवर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को परफेक्ट इतना कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर एक सेकंड की गलती रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान, साथ में पूरी सिस्टम, आपके पीछे कितनी लाइफ,
आपकी ट्रेन में चल रही है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है, क्योंकि बीच में कोई कम्युनिकेशन आपका फिजिकल होता है, प्रैक्टिकल केवल ELP और ड्राइवर समझते हैं कि कैसे ट्रेन को सुरक्षित और टाइम से मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये है कंसंट्रेशन टेस्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें हर टेस्ट को समझने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप नज़दीक से समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूअर दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए, आप नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे तो साइको पॉजिटिव रूप से बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं कहता हूँ 50% स्कोर सभी कैंडिडेट ला सकते हैं। गलती कहाँ होती है? 50 से 70 80 करने लगते हैं वहाँ गलती होती है। तो 50-60% आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, बस आपने नेगेटिव सोचना छोड़ देना है और दूसरों पे नहीं अपने पे विश्वास करना है। अपने आप समझ लेंगे कि मैं ये कर लूँगा तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आपने सोचा दूसरे ने 70 कर दिया, मैं 50 ही कर रहा हूँ, तो यहाँ 20 नंबर का 20 डिफरेंस आ रहा है, वो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर देगा और प्रेशर के चक्कर में गलती होती है। थैंक यू, धन्यवाद।